लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। मेयर विधायक नारायण त्रिपाठी क्षेत्र के आमजनों के साथ ले साधु संतों की अगुवाई में आज सिद्धा पहाड़ में विशाल धर्म सभा का आयोजन कर रहे हैं। आपको बता दें कि विधायक त्रिपाठी राम वन का मनपद सहित सिद्धा पहाड़ जैसे कई स्मृतियों में चल रहे अवैध उत्खनन व चित्रकूट के समुचित विकास की मांग को लेकर विगत 3 दिनों से पदयात्रा कर आज सिद्धा पहाड़ पहुँचे हैं। सिद्धा पहाड़ को लेकर मान्यता है कि हमारे धर्म शास्त्रों में ये भी उल्लेखित है, सिद्धा पहाड़ साधु संतों की हड्डियों का ढेर है, जहां आज भी उत्खनन में अस्थियां पाई जाती हैं। श्री राम जब वनवास काल में थे तब उन्होंने साधु संतों की पीड़ा को जानकर प्रतिज्ञा की थी कि मैं धरती से राक्षसों का विनाश कर दूंगा। क्योंकि चित्रकूट धाम में भगवान श्री राम का अधिकतर समय यहीं बीता, इसलिए क्षेत्र में उनकी जगह जगह स्मृतियां मौजूद हैं, जिन्हें सरकार द्वारा और कुछ संरक्षण में अवैध उत्खनन कर नष्ट किए जाने का कार्य खनन माफिया कर रहे हैं। राजा राम का जन्म अयोध्या में अवश्य हुआ, लेकिन उनका अधिकांश समय चित्रकूट में बीता। यहां श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए, इसलिए यह क्षेत्र अयोध्या से कम नहीं है, अतः इसका भी विकास अयोध्या की तर्ज पर होना चाहिए। इस मामले को लेकर क्षेत्र के साधु संतों में भी काफी आक्रोश व्याप्त है। धर्मगुरुओं ने कहा कि हमें यहाँ राम राज्य चाहिए, जहाँ सिर्फ धर्म ध्वजा फहराती थी, आम जन सुखमय जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने कहा हमें शिवराज नहीं चाहिए, इनके राज में विनाश होना शुरू हो चुका है। अनुप तिवारी की रिपोर्ट, चित्रकूट, R9 भारत। अभी यहाँ मेरे काफी खदान है, बहुत पहले से भी है, तो यहाँ का एक एक आदमी अब जागरूक जहाँ बोलते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों के सर्वंगा आश्रम, सुदीक्षण आश्रम और चित्र के जितने भी राम के पद चिन्ह हैं, जिसको चित्र और कूट बोलते हैं, चित्र है राम के पद चिन्ह, कूट है वहाँ, जब उनका अस्तित्व नहीं बचेगा तो फिर बचना क्या है। तो यहाँ के लोग भी जागरूक हो गए। 4 दिन की यात्रा में मैं लोगों से मिला, लोगों को देखा, लोगों के मन में पीड़ा है, लोग ये पीड़ा महसूस करते हैं कि हम लोग देख रहे हैं और हमारे स्कूलों के पहाड़ों को खोदा जा रहा है, हम करें क्या, हम लाचार बेबस हैं, बिना सरकार के कैसे हो रहा है, ये रात को भी होता है, दिन को भी होता है। जब ये विषय लेके मैं साधु संतों के पास गया, ऋषि मुनियों के पास गया कि इनकी पीड़ा तो भी कम देखे आप, जब मैं गया 10 दिन की मीटिंग में हमारे साधु संत इतने क्रोधित थे कि मुझसे बोले आप बीजेपी के मेले हो, यदि मध्य प्रदेश की सरकार हमारे चित्र और राम की और उनके चिन्हों की सुरक्षा नहीं कर सकती तो हमें उत्तर प्रदेश में भेज दिया जाए, हम उत्तर प्रदेश में जाने को तैयार हैं। यहाँ का कोई विकास नहीं हुआ, यहाँ रेल लाइन से जोड़ा नहीं गया, यहाँ आज भी मध्य प्रदेश का चित्र उपेक्षित है। जो 80% राम की तपोभूमि है, 11 साल 11 महीने 11 दिन या 12 साल राम चित्रकूट में तपस्या की, तो भगवान मर्यादा बने चित्रकूट धाम में तुलसीदास जी ने महाग्रंथ किया राम चित्र जाता है, राम के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय राज्य पर राम की ये तपोभूमि चित्र सतना जिला विंध्य प्रदेश पूरी तरह उपेक्षित है। जब संत महात्माओं से बोला तो संत महात्मा आज घर भी पे किए, बात भी किए और ये भी बोले यहाँ तो ठीक है, इसके साथ साथ भोपाल भी जाएंगे और दिल्ली भी चलकर धर्म सभा करेंगे और उस लड़ाई को लड़ेंगे। तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री राम को पूजने वाले हैं, धर्म को मानने वाले, सबसे पहला काम माना चाहिए जो भी वीर समाधि कार्यवाही करेंगे और सम्मानित मंत्री अमित शाह जी, नड्डा जी, इन साधु संत के चित्रकूट राम की तपोभूमि की मान सम्मान करते हुए चित्रकूट को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर राम की कर्मभूमि या कर्म स्थान देते चित्रकूट को ध्यान दें, चित्रकूट का विकास करें और सबसे पहले ये खदानें निरस्त करें, चित्रकूट के जो महत्वपूर्ण स्थान है उन स्थान